बड़बर स्थित दुध की फैक्ट्री विच अज अचानक एक हादसा हो गया जिस विच 18 साल नौजवान की करंट लगन कारण मौत हो गई। हादसे की खबर सुनते ही पूरे इलाके विच शोक की लहर दौड़ गई। रोस वजों पिंड बड़बर अते आस पास के किसान आगुआ ने फैक्ट्री मूहरे धरना ला दिता अते प्रशासन फैक्ट्री समेत जमके नारेबाजी करते हुए पीड़ित परिवार दे लई मुआवजे दे रूप विच 50 लाख दी मंग कर दिती। दुद्धा आगुआ ने की कहा आओ सुनिए। देव सिंह सकत्तर ब्लाक बरनाला भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां अज सवेरे जसविंदर सिंह सन ऑफ मंगा सिंह जिहड़ा लेबर का काम करता सी इस अनेजा फूड फैक्ट्री दे विच उह सवेरे इत्थे काम ते आया उहनूं इहनां ने कमरा धोण वास्ते ला दिता। पहला उसकी ड्यूटी कितने होर सी अज उन्हें कमरे की सफाई वास्ते लाया। जदों उहदे पैर नंगे सी उहदे हाथ विच हाथ गिले सी क्योंकि पानी का काम करता सी उहदी जुत्ती लाई हुई सी। जदों उहने काम करदे करदे शटर नूं चक्कण वास्ते हाथ पाया तो शटर दे विच जिहड़ा इहनां दा शटर लाया होया सीगा उहदे विच करंट सी। उहदे विच उहनूं करंट लग्गिया बहुत जबरदस्त। जदों करंट उहने इन्ना जबरदस्त सी कि जिन्ना चिर उहदा तुपका तुपका खून दा नुचड़िया नहीं उन्ना चिर तक उन्होंने छड़िया उहदी डैथ उत्थे मौके ते हो गई। इन्हां ने जिहड़े फैक्ट्री वाले ने जां फूड फैक्ट्री वाले ने इन्हां नूं डैड बॉडी नूं चक के लिजा के संगरूर हस्पताल जमा करा दित्ता जदों कि उहदी डैथ इत्थे हो चुकी सी। इन्हां वल्लों कोई कोशिश नहीं कीती इन्हां ने उन्ना चिर उन्होंने छड़िया नहीं उन्ना चिर इह नेड़े नहीं लग्गा कोई फूड फैक्ट्री मुलाजम कोई नेड़े नहीं लग्या। सब ने देखा भी ये शटर च करंट है उन्होंने करंट लगे वह हाथ छुट्टिया नहीं तो यह नेड़े नहीं लगे जदों डैथ हो गई उदों बाद चुके। फैक्ट्री वालों कोई प्रबंध नहीं है इन्होंने फैक्ट्री वालों कोई अंदर प्रबंध नहीं। दो नंबर का धंधा कर दिया सारी फैक्ट्री ये है जी ये कि 7 लाख लीटर दुध है 7 लाख लीटर साढ़े दुध आ ही नहीं ये 2 नंबर का दुध बनाते हैं। पिछले भी इन्हों कई चांस यह घटनावान पिछले भी वरतिया ने पर इन्होंने कोई गौर नहीं की कोई इतने फैक्ट्री रूल एक्ट लागू नहीं होंगे। परिवार कला ही मुंडा सी 18 साल उम्र सी यदि है जी पिछे यदा माँ बाप है बिरदा माँ यदि मंजे पर पई है शूगर की पूरी तक बड़ी मरीज है वो प्यो यदा बैठा है जी बाकी 2 कुड़ियां ने नहीं ब्याह नहीं अनमैरिड बच्चा ये सिर पर सारा परिवार चलता। इतने देर तो ये सानू मालूम नहीं पिछले जो लोड़ पैंती सी उन्होंने सद लेंगे साल दो साल का कम करता जो भारी काम होंगे जो भारी काम होंगे उन्होंने बुला लेंगे। अच्छा जी हाँ जी हूँ ये असं मंग की असं तड़के भी साड़ी पंचायत भी गई है साढ़े नगर के प्रधान से सज्जन भी गए पर इन्होंने कोई उन्होंने तसलीबख्श ग उत्तर नहीं दिता ना इन्होंने गल कर कोशिश की है ना इन्होंने हूँ असी गए सी द्वारा हूँ भी इन्होंने सानू कोई लॉलीपॉप ही दिता कोई तसलीबख्श गल नहीं की असी मांग करते हैं ज्यादा इन 50 लाख रुपया मुआवजा दिता जाए ये परिवार को घट्टो घट्ट जिनी उन्होंने उम्र आ फादर उन्होंने पेंशन दी जाए। हाँ जी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता जी वो हजे सानू लॉलीपॉप देंगे भी 5 हज़ार ले लो 7 हज़ार ले लो 10 हज़ार ले लो पेंशन ला पेंशन पेंशन असी इन्हों का मैनेजर है बाली उहदे नाल गल करके आया उन्हें उपर की इन्हों का जिहड़ा मालिक है उहदे नाल कहिंदा मैं गल की है एस एच डिप्टी साहब बैठे ने ये अमृतसर दे मालिक जिहड़ा अमृतसर दा नाम हरिओम हरिओम माता बंदे का कतल होया ये प्रेस वाले प्रेस वाला इन्होंने अंदर गए कैमरा खोलिया उन्होंने धक्का मुक्की किया साडे बंदे का कतल होया साडा मर्डर होया इन्हों अंदर धक्केशाही कर दी जे किसी पास गल नहीं लगती तुहाडे वल्लों की एक्शन साडे वल्लों ये एक्शन होवे सी सारा पिंड सने लेडीज सने जवाक असी लैके इत्थे बैठांगे जिन्ना चिर यह साडा फैसला नहीं हुंदा तसल्ली बख्श उन्ना चिर असी इत्थों उठदे नहीं डैड बॉडी लिया के असी इत्थे रखांगे असी संस्कार नहीं करदे उन्ना चिर साडा ये फैसला। की नाम है भाई थोड़ा? मेरा नाम हरदीप सिंह है जी। कितने रहने हो? पिंड बड़बर। काम कितने करते हो? काम नहीं करते जी इत्थे। हाँ जी आप खेतीबाड़ी का काम करते हैं जी इत्थे। पहला भी एक हादसा होया सी मुंडा उत्तों चैंबर च डिग के मरिया सीगा भैणी महाराज का मुंडा मरिया सी ते उहनूं भी कोई सुविधा नहीं मिली कुछ उहनूं मिलिया नहीं उहदे घरदिआं नूं परिवार नूं कुछ नहीं मिलिया आ दूजा चांस हो गया हुण भी इह गल दवा रहे नेगे पहलां भी गल दवाती सी उह मुंडे दी ते इह भी दवा रहे नेगे ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਆਈ ਉਰੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ 5-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੈਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੈਂਬਰ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਈ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਸ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦਾ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ
ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕੀ ਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਤੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਤੌਲਤ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਪੰਜ ਜਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 18 19 ਸਾਲ ਸੀ 18 19 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਬੜਬੜ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਵੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਰ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਹੋਊ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਿਖਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ